दुनिया में कितने डायमेंशंस हैं? सोचिए आप एक कागज़ पर दो लाइन खींचते हैं, ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं और एक चौकोर बनाती हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप इस चौकोर को तीसरे आयाम में यानी ऊंचाई से भी देख सकते हैं, अब ये एक घन बन जाता है। इसी तरह हमारी दुनिया यानी तीन आयामों में मौजूद है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं आयामों में बीत जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी दुनिया स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 डायमेंशंस में, एम थ्योरी के अकॉर्डिंग 11 डायमेंशन और बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी दुनिया में 26 डायमेंशंस मौजूद हैं, जो हमारी कल्पनाओं से बहुत ऊपर हैं। लेकिन आपने अगर 10 डायमेंशन को समझ लिया तो इसके बाद वाले सभी डायमेंशंस को आप खुद इमेजिन कर पाओगे। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 10 डायमेंशन को समझना चाहते हो तो आपको आगे आने वाली सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनना होगा, और जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको अपनी कल्पनाओं में सोचते जाना होगा। डायमेंशन को अगर आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह से हम फिजिक्स की किसी भी चीज़ को मापते हैं, जैसे तापमान को केल्विन में, लंबाई को मीटर में, समय को घंटे में और करंट को एम्पियर में, उसी तरह यूनिवर्स में हो रही सारी घटनाओं को डायमेंशन यानी आयाम में मापते हैं। शुरुआत होती है जीरो डायमेंशन से। आप कल्पना कीजिए कि नेचर का बनाया हुआ कोई ऐसा जीव जो जीरो डायमेंशन में मौजूद है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरो मतलब नथिंग, यानी जीरो डायमेंशन में मौजूद उस जीव का कोई भी आकार नहीं होगा और ना ही उस जीव का कोई शरीर होगा। जीरो डायमेंशन को समझने के लिए हम एक काल्पनिक डॉट मान लेते हैं जहाँ कोई भी आकार नहीं है। अब इस डॉट में मौजूद वो जीव ना आगे जा सकता है, ना ही पीछे, ना ही ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे, और यहाँ तक कि ये जीव अपनी जगह पर घूम भी नहीं सकता। लेकिन सभी डायमेंशन का आधार जीरो डायमेंशन होता है, यही होता है जीरो डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में आप कल्पना कीजिए कि जीरो डायमेंशन के दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से आपस में जोड़ दिया जाए तो इस केस में जीरो डायमेंशन में मौजूद जीव केवल आगे पीछे ही जा सकता है। आगे पीछे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट भी चल सकता है, जैसा कि आपने कभी मोबाइल पर सांप वाला गेम खेला हो। थर्ड डायमेंशन में मान लीजिए कि उस जीव की जगह पर हम खुद हैं। आप देख सकते हो कि इस थर्ड डायमेंशनल दुनिया में हम आगे पीछे दाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, इसी को थर्ड डायमेंशन कहते हैं। और फोर्थ डायमेंशन होता है टाइम, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और ये तीनों डायमेंशन और टाइम आपस में कनेक्टेड हैं, जिसको स्पेस टाइम कहा जाता है। अब ये स्पेस और टाइम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये हम आगे आने वाली किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि ये तीनों डायमेंशन और टाइम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम समय में एक स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर चलते जा रहे हैं, और समय के साथ हम बूढ़े भी होते जाते हैं, इसी को फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है। फिफ्थ डायमेंशन में आप समय में आगे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट भी चल सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आपको अपना करियर चुनना है और आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो। अगर मैं फोर्थ डायमेंशन की बात करूँ जिसमें हम अभी चल रहे हैं, तो फोर्थ डायमेंशन में आप इन दोनों में से केवल एक ऑप्शन ही चुन सकते हैं और केवल उसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब समय में आगे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं मुड़कर अपनी दूसरी करियर को भी बना सकते हैं। लेकिन इस केस में पैरेलल यूनिवर्स होंगे जिनमें से एक में आप क्रिकेटर होंगे और दूसरी दुनिया में आप म्यूजिशियन होंगे, और दोनों ही दुनिया एक दूसरे से अलग चल रही होंगी। सिक्स्थ डायमेंशन में मान लीजिए कि आप डायमेंशन में दोनों ही दुनियाओं में सेलिब्रिटी बन जाते हो। लेकिन कैसा होता अगर फिफ्थ डायमेंशन में अलग अलग दुनियाओं में मौजूद आपके दोनों क्लोन एक दूसरे से मिल पाते, मतलब आपका एक दुनिया में मौजूद म्यूजिशियन वाला क्लोन दूसरी दुनिया में मौजूद क्रिकेटर वाले क्लोन से मिल सकता। तो इसे करने के दो रास्ते हैं। पहला तो यह है कि आपका म्यूजिशियन वाला क्लोन समय में यात्रा करके उस दौर में पीछे आ जाए जब आप अपने दोनों करियर डिसाइड कर रहे थे, और वहाँ से आपका भविष्य में आए म्यूजिशियन वाले क्लोन आपके क्रिकेटर वाले क्लोन के साथ समय में आगे बढ़ता चला जाए। तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आपका क्रिकेटर वाला क्लोन एक फेमस क्रिकेटर बन चुका होगा, और उसके साथ साथ जो म्यूजिशियन वाला क्लोन चल रहा था वो आपके क्रिकेटर वाले क्लोन से वहाँ मिलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपके दोनों क्लोन्स को एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। दूसरे रास्ते को मान लीजिए कि आपका म्यूजिशियन वाला क्लोन टाइम ट्रेवल करके उस दौर में नहीं आता जब आप अपने दोनों करियर के लिए डिसाइड कर रहे थे, बल्कि वो डायरेक्ट ही एक शॉर्टकट रास्ते से वहां पहुंच जाता है जहां आपका क्रिकेटर वाला क्लोन फेमस हो चुका हो, और वहां पर आपके दोनों क्लोन्स एक दूसरे से मिल जाए। इस केस में आपका म्यूजिशियन वाला यानी पहले आपने जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया था वो एक अलग डायमेंशन है जिसे सिक्स्थ डायमेंशन कहा जाता है। सेवन डायमेंशन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में सभी डायमेंशन इन्फाइनाइट हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा इन्फाइनाइट यूनिवर्स 10 डायमेंशन बन जाए, मतलब एक नथिंग पॉइंट जिसमें पूरा अनंत यूनिवर्स गोल हो जाए,
और इस पॉइंट के अंदर 6 डायमेंशन काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही 0 डायमेंशन में जाना था और हमने एक ऐसे जीव की कल्पना की थी जो 0 डायमेंशन में ही कैद था और वो कहीं नहीं जा सकता था, उसी तरह अगर हम अपने पूरे अनंत यूनिवर्स को 7 डायमेंशन के लिए एक 0 डायमेंशन मान लें और इस 0 डायमेंशन के अंदर 6 डायमेंशन काम कर रहे हों जिनमें हम किसी भी डायमेंशन में अनंत तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे यूनिवर्स की ही तरह एक दूसरा यूनिवर्स और है जिसमें फिजिक्स के नियम हमारे यूनिवर्स से थोड़े अलग हैं और वह पूरा इन्फाइनाइट यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की ही तरह एक 0 डायमेंशन बन जाए। और अब मान लीजिए कि हम अपने इस यूनिवर्स से जो कि 10 डायमेंशन में कैद है इससे निकलकर उस दूसरे यूनिवर्स में जाएं जो कि खुद 10 डायमेंशन में कैद है, तो हम अपने यूनिवर्स से उस दूसरे यूनिवर्स तक जाने में जो रास्ता लेंगे वो 7 डायमेंशन होगा, जैसा कि हमने शुरू में फर्स्ट डायमेंशन में देखा था। ठीक उसी तरह ये डायमेंशन दो यूनिवर्स को जोड़ेगा और इसी को ही 7 डायमेंशन कहते हैं। 8th डायमेंशन को जिस तरह से हमने शुरू में कंटेमिनेशन को जाना था जिसमें आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से 7th डायमेंशन में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं जाकर किसी तीसरी अलग संभावना वाले यूनिवर्स में जाया जा सकता है। 9th डायमेंशन में जिस तरह से हमने 3rd डायमेंशन को जाना था उसी तरह से इस डायमेंशन में मौजूद सभी यूनिवर्स से किसी दूसरी अलग संभावनाओं वाले यूनिवर्स में जाया जाए, तो जिस रास्ते से हम दूसरे अलग संभावनाओं वाले यूनिवर्स में जाएंगे उसी को 9th डायमेंशन कहेंगे। 10th डायमेंशन में जिस तरह से हम 4th डायमेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे थे जिसमें समय आगे की ओर चलता रहता है और समय में आगे जाने के साथ साथ हम बाकी तीनों डायमेंशन में आगे पीछे भी जा सकते थे और ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते थे, उसी तरह 10th डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए हम बाकी के नए डायमेंशन में कहीं भी पलक झपकते ही जा सकते हैं। और जो इन 10 डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता होगा उसे शायद आप गॉड, अल्लाह, भगवान कुछ भी कह सकते हो। दोस्तों 10 डायमेंशन को जानने के बाद एक सवाल सामने आता है कि क्या केवल 10 डायमेंशन ही मौजूद है या इससे भी आगे डायमेंशन मौजूद हो सकते हैं, तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो भी घटना घट सकती है या कहें कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उसकी घटना यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी, चाहे आपके दिमाग में कोई भी ऐसी घटना क्यों ना हो जहां पर फिजिक्स के नियम उल्टे काम कर रहे हों या आप सोचे कि कहीं बिग बैंग से एक और यूनिवर्स का जन्म हो रहा हो। मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं और वो सब लोग जो भी कुछ सोच सकते हैं वो सभी घटनाएं इन 10 आयामों के अंदर जरूर घटित हो रही होंगी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। हालांकि एम थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में ऐसे 11 डायमेंशंस मौजूद हो सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या हम 10th डायमेंशन में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसका जवाब है नहीं, हम केवल 4th डायमेंशन को ही रियलिटी में अनुभव कर सकते हैं। अब एक सवाल और सामने आता है कि हम डायमेंशन में क्यों नहीं जा सकते, तो इसका जवाब है हमारी फिजिकल बॉडी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। डायमेंशन में केवल वही चीज़ ट्रेवल कर सकती है जो केवल 1 डायमेंशनल हो। अगर हम अपने शरीर का छोटे से छोटा हिस्सा देखें तो वो एटम से बना हुआ है और उसको भी अगर छोटे स्केल पर तोड़ दिया जाए तो वो होगा इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर देखा जाए तो इन छोटे से छोटे पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर भी 3 डायमेंशनल है। केवल सुपर स्ट्रिंग ही एक ऐसी चीज है जो 1 डायमेंशनल है जो कि 10 डायमेंशन में भी हाइड्रेट करती है। अब ये सुपर स्ट्रिंग क्या होती है ये हम आगे आने वाली किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। अब सवाल सामने आता है कि केवल 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही डायमेंशन में क्यों जा सकते हैं, तो इसका जवाब है 10 आयाम एक एक करके एक पर्टिकुलर डायमेंशन से बने हुए हैं जिनमें हर एक आम इंसान की एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये केवल एक डायमेंशन के जरिए ही दूसरे डायमेंशन में जाया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम डायमेंशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसका जवाब है हाँ। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सके तो हायर डायमेंशनल में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दोस्तों आपका क्या सोचना है मल्टी डायमेंशनल के बारे में प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।